जब बारिश होता तभी नाचता है ना भाई, पकाने लगता है। अभी तो ऐसे ही नाच रहा है ये, दिखावे के अब नजदीक आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अब डाउन कर रहा है, देखिए डाउन कैसे करता है, आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए ये देखिए कितना वाव मस्त लग रहा है ना। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग हैं, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और हम आए हैं घूमने पटना जू में, और हमारे पीछे देख सकते हैं ये पार्किंग का एरिया है, और हम गाड़ी से आए हुए हैं और गाड़ी हमने पार्किंग कर दिया है, और फ्रेंड्स के साथ आए हैं घूमने, पार्किंग में आए हुए हैं। और हम लोग पटना जू में घूमेंगे और इसमें सारा चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे कहाँ पे क्या चीज़ है। तो पहले सबसे पहले तो आपको लोग बता दें कि यहाँ पे पार्किंग है, और कैमरा बैक करके भी सारा चीज़ दिखाएंगे, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहे इस ब्लॉग में, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए लेट्स गो स्टार्ट। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा ये फील्ड है, और ये बहुत बड़ा फील्ड है, यहाँ पर पार्किंग हम लोग करते हैं। और इधर से भी देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा होगा, और इधर भी दीवार है, और इधर से गाड़ियाँ सब देख सकते हैं, इधर से बाइक कर पार्किंग है, चार चक्का पार्किंग है, और इधर भी देख सकते हैं। और हम लोग ने खाना खाया यहीं पर, ये शेडो बना हुआ है, यहीं पर खाना खाए हैं हम लोग, और जस्ट यहाँ से फिर आगे चलेंगे, और आगे खाने पीने का भी सामान सारा मिलता है, तो वो भी दिखाएंगे, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, तो अभी हम आ चुके हैं पटना जू में, हम लोग चलने वाले हैं, और इधर से देख सकते हैं अभी गाड़ी पार्किंग हो गया है, और इधर से देख सकते हैं खाने पीने का पूरा सामान लगा हुआ है, और बहुत सारा ठेला यहाँ से खा पी सकते हैं हम लोग। और इधर अंदर चलेंगे हम लोग, और यहाँ से टिकट लेंगे और अंदर जाएंगे, तो अंदर बैठ करके भी सारा चीज़ आप लोग को दिखाएंगे, और इधर से भी देख सकते हैं खाने पीने वाला पूरा सामान लगा हुआ है, ठेला वूला। और अंदर चलते हैं, टिकट लेंगे और फिर अंदर का नज़ारा देखेंगे, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं किस प्रकार सारे लोग घूमने आए हो, और ये स्टैचू है, और ये आदमी का बना हुआ है स्टैचू, और इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग सेल्फी लेते हैं सभी आदमी यहाँ पर, और इसके अंदर भी चलेंगे हम लोग कंटिन्यू, और सारा चीज़ देखेंगे। और सबसे बड़ी एवरग्रीन चीज़ है जो बहुत सारे यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए पटना में, और यहाँ से भी देख सकते हैं सारा चीज़ है यहाँ पर, और यहाँ पर लगाया गया फ़ोटो, ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ से एकदम क्लियर आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ से। और इधर पानी पीने का भी व्यवस्था है, और सामने हम लोग जाएंगे और अंदर टिकट लेंगे, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए इसमें। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये पटना जुगाड़ है, और यहाँ से हम ले रहे हैं, और बच्चा का 10 रुपया टिकट लगता है, और वयस्क सियान को 30 रुपया टिकट लगता है, तो यहाँ से टिकट हम लोग ने कटा लिया, और इसके अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे। और टिकट ले लिए हैं, और टिकट हम लोग ले लिए, अंदर चलेंगे, और अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग अंदर चलेंगे और सारा चीज़ देखेंगे। चलिए कंटिन्यू बने रहिएगा, और यहाँ से चलते हैं हम लोग अंदर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हम लोग लाइन से जाएंगे अंदर, और ये मशीन है, और इसे पार करना पड़ता है मशीन से, तो आगे है, और यही मशीन है, इससे आप पार कर टिकट जब भी लेंगे तो आगे चल जाएंगे, तो देखिए चेक हो रहा है यहाँ पर टिकट। ठीक है, तो हम लोग आ गए पटना जू में, और सारे फैमिली लोग फ्रेंड का है, और सारे लोग हैं यहाँ से, सारे लोग जाएंगे और पटना जू में, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे जर्नी में, घूमते हैं पटना जू में। और इधर भी देख सकते हैं कितना बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है, यहाँ से देख सकते हैं क्यारियाँ कितना लगा हुआ है। तो हम लोग अंदर चल रहे हैं, अभी घूमना स्टार्ट किए हैं, और देखते हैं कितना दूर तक घूम पाते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। हाय गाइस, और सारे लोग हैं यहाँ पर, हम लोग घूम रहे हैं, ये सारे बच्चे लोग भी हैं। हाय गाइस, सारे बच्चे लोग ने सीख लिया हाय गाइस करना। और इधर भी देख सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी तो घूमना स्टार्ट किए हैं, जहाँ जहाँ अच्छा लगे वहाँ वहाँ का सारा चीज़ दिखाएंगे। ऐसे है तो सारा चीज़ अच्छा है यहाँ पे, तो देखते हैं क्या क्या आप लोगों को दिखा सकते हैं इसमें, तो चलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, आज सैर कराएंगे और पटना जू का। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये गाड़ियाँ मिलती है, और इस गाड़ी से लोग 1 घंटा में पूरा जू पटना पार्क घूम लेता है, और ये टिकट घर है, और यहीं से हम लोग टिकट लेते हैं, 55 रुपया में एक टिकट मिलता है, यहाँ से आप गाड़ियाँ पर जैसे चढ़ के और आगे चलते हैं, पूरा पटना
घूम लीजिएगा पार्क में। बहुत लंबा चौड़ा दूर में है तो इसीलिए लोग गाड़ी का यूज करते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं हम फिर आ गए जू के पास, और देखिए कैसे लोग भीड़ लगाए हुए हैं देखने के लिए। और ये देख सकते हैं ये लोमड़ी है देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए कितना मस्त लग रहा है यहाँ से देख सकते हैं। और सारे लोग देख रहे हैं यहाँ से, देखिए किस प्रकार से आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से। और ये और इधर भी देख सकते हैं, इधर भी काम चल रहा है सारा चीज़ अभी पटना जू में है। और इधर भी देखिए वर्क प्रोसेस में है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और सामने में देख सकते हैं इधर चिड़ियाघर में यहाँ पर देखिए चीता, और देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा चीता। कैमरा बैक करके आप लोगों को दिखाते हैं तो आप लोग बने रहिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये चीता है और दो है यहाँ पे चीता ना, दो चीता बैठा हुआ है, अभी नीचे नहीं आ रहा है ऊपर ही बैठा हुआ है घर पे। और इधर भी देख सकते हैं आप, और यहाँ पे भी है देख सकते हैं। और इधर ये घर बना हुआ, इसमें कुछ तो है नहीं, वहाँ पर चीता था भाई, बहुत कोहराम मचा रखा है, चीता एक अगर आ जाए ना। और इधर भी देख सकते हैं, इधर हम लोग देख रहे हैं जैसे बानर का यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कितना सुंदर और बहुत ही सुंदर भी बनाया गया है यहाँ पर पटना का जू घर है। और आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पर, घूम सकते हैं देख सकते हैं। ये गए लो तो गैस, तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और ये बनाया गया इस प्रकार देख सकते हैं, और खेलने कूदने के लिए बनाया गया है। हमें नहीं लगता है कि बानर इसमें रह सकेगा क्या, वो तो कहीं भी कूद के चला जाएगा। और इधर भी देख सकते हो, और बाई रोड उधर से है, और इधर से हम लोग घूम रहे हैं और सारे लोग देख रहे हैं किस प्रकार से घूम रहा है सारे लोग यहाँ से। और बहुत सुंदर सुंदर पौधा से भी है यहाँ, फूल से भी है देख सकते हैं, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गिद्ध है, और कितना बड़ा है, दो ही गिद्ध है ना। और इधर भी देख सकते हैं दो ही गिद्ध पड़ा हुआ। और जी इधर भी देख सकते हैं, इधर थोड़ा हम लोग चलते आगे कुछ मिलने वाला है। और ये बहुत दूर में बाउंड्री किया गया होगा, तो इधर भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बाघ है, रिकॉर्ड कर लीजिए सभी आदमी, देख सकते हैं ये पटना जू में बाघ है, एक ही है ना बाघ नहीं है, शेर है, शेर है राजा जी को, शेर है शेर भाई, पहचान में नहीं आता है ना। ठीक है, तो आप लोग देख रहे थे ये लायन था, और लायन का यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंबल लगाया गया हुआ है, यहाँ पर प्लास्टिक का बनाया गया है। और यही हम लोग देख रहे थे, एक ही लायन था शेर, और वहाँ पर जो दिखाए थे वो दो चीता था। और आगे चलते हैं और बाघ से भी भेंट करेंगे हमें लगता आ गया है, वो भी देखेंगे, तो आप लोग बने रहिए, आज बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पर मिलेगा बाघ, कहाँ पे बाघ याद है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये बाघ है और किस प्रकार टहल रहा है, और इधर भी देख सकते हैं एक बाघ यहाँ पे भी है, ये सोया हुआ है और ये टहल रहा है अभी, शेर बाघ है बाघ। और हम लोग फिर आगे चलते हैं यहाँ से, आगे कंटिन्यू बढ़ेंगे, और इधर से भी है रास्ता घूमने वाला, तो इधर भी घूम सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं शेष नाग है, और वहाँ पे लिखा हुआ है नो एंट्री। और बता दें यहाँ से किधर जाने में, सांप का घर है, जाने का रास्ता इधर है, तो हम लोग इधर चलते हैं सांप के रास्ते में, और सांप उप देखेंगे, तो इधर भी देख सकते हैं, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। क्या गाइस, तो हम लोग चल रहे हैं इधर, इधर से देख सकते हैं सांप का घर है, तो इधर से एग्जिस्ट लिखा हुआ है, तो दूसरे तरफ से चलना पड़ेगा हम लोग को लग रहा है, नहीं तो चलते हैं दूसरे तरफ से। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर सांप ही सांप है, तो नज़दीक में थोड़ा चलते हैं और सारा चीज़ देखते हैं, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये अजगर है, और कितना बड़ा और कितना विशाल है, और इधर भी देख सकते हैं ठीक है, जो आप लोग देख सकते हैं एक वहाँ पे अंदर में, और एक यहाँ पे, और एक अंदर लकड़ी के अंदर है, देख सकते हैं ये अजगर सांप है, और देख सकते हैं किस प्रकार से मूव कर रहा है अभी ये। और आप लोग को यहाँ पर भी दिख रहेगा छोटा सा यहाँ पे घर में अजगर सांप, ये अजगर नहीं है,
दूसरा सांप है ये, देखो ना चांद। और ये देख सकते हैं ये धामिन है सामने, और ये घर है इसका धामिन है ना। हे गाइस, तो पटना जू में हम लोग सांप मेला में यहाँ से देख सके हैं, यहाँ से देख सकते हैं यही सांप घर था, और अंदर में हमने सारा घूमने और हमारे फ्रेंड ने भी घूमा, बहुत ही अच्छा लगा क्या। और सबसे पहले बता दिए कि ये डायनासोर है जिसको हम लोग तो अब देख नहीं रहे, कई साल पहले मर चुका है। भाई थोड़ा बताना कितने साल पहले विलुप्त हो गया ये अजगर डायनासोर? पहले नहीं, बहुत ही पहले। और देख सकते हैं ये है, तो अंदर हम लोग सारा चीज़ देख लिया, अभी बाहर आ गए तो बाहर चीज़ का देखते हैं आगे, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। है गए तो आप देख सकते हैं ये शुतुरमुर्ग है, और ये देखिए अभी आ रहा है शुतुरमुर्ग, इधर से चल के आ रहा है, और इधर से नज़दीक में से थोड़ा दिखाते हैं आप लोगों को जूम करके। और ये देखिए इस प्रकार खाना खा रहा है, इधर से देखते थे ये चिड़ियाघर है पटना का, और इधर भी देखिए। ठीक है तो यहाँ से देख सकते हैं ये भालू है, और यहाँ से देख सकते हैं अभी खेल रहा है, दो भालू है यहाँ पे, और इधर भी देख सकते हैं आप लोग, और कितना डीप बनाया है ताकि बाहर नहीं निकले, और इधर भी देख सकते हैं आप। और आगे हम लोग चलते हैं, आगे का कंटिन्यू आप लोग को दिखाएंगे, तो आप लोग बने रहिए। और इधर भी देख सकते हैं ये भालू है, और ये आपको जूम करके दिखाते हैं, ये दोनों भालू है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं ये एमू पक्षी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और जस्ट आपको बता दें किस प्रकार पाया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है ना जो अपने इंडिया में शुतुरमुर्ग, उसी प्रकार के ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जस्ट उसी प्रकार का लगता है ये एमू पक्षी वर्ड है। और आगे हम लोग चलेंगे फिर देखेंगे, और छोटे छोटे बाँस भी देख सकते हैं, क्यारियाँ यहाँ पर कितना मस्त है। आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं और कंटिन्यू आप लोग को दिखाएंगे। और यह गया आप लोग को बता दें कि देखिए सारे एक ही जगह आ गए, और यहाँ से नज़दीक से आप देख सकते हैं, और यहाँ पे चार चार है, मोबाइल छीन लो तो मोबाइल मोबाइल नहीं छीन पाएगा। और एक उधर ही टहल रहा है, यहाँ से देख सकते हैं, और उधर भी दो है, बहुत सारा है, पाँच छः सात है यहाँ पे कम से कम, और इधर भी देख सकते हैं। और इस प्रकार से गाड़ी से भी हम लोग घूम सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा बोर्ड है यहाँ पर, और ये बर्ड का बोर्ड लगा हुआ, और यहाँ से भी देख सकते हैं यहाँ पर पक्षी है, और अंदर भी सारे पक्षी है, और इधर भी बड़ा पक्षी का दिख रहा है घर सब है। तो कैमरा बैक करके आप लोगों को दिखाना पड़ेगा ताकि आप लोगों को अच्छा से क्लियर से देख सके, तो आप लोग बने रहिए। ठीक है गाइस तो यहाँ से देख सकते हैं ये गोल्डन फिजन है, और यहाँ से देखते हैं कितना सुंदर वर्ड लग रहा है, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सामने आ गया और किस प्रकार से घूम रहा है, देख सकते हैं ये गोल्डन फिजन है, और कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये सिल्वर फिजेंट है, यहाँ से देख सकते हैं वो आगे चला गया है यहाँ से। और ये देखिए मोर जो ये छाता छाने हुआ है, और इस प्रकार देख सकते हैं मोर नाच रहा है यहाँ पर से, और कितना सुंदर और खूबसूरत लग रहा है यहाँ से देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये मोर का नाच दिखा रहे हैं आप लोगों को, दूर मत चले जाना, इधर ही आ जाओ, बहुत ही सुंदर और मस्त। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और इधर भी देख सकते हैं सिल्वर फिजेंट इधर भी है, और ये भी वर्ड है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और बहुत सारा देखिए मोर जैसे नाच रहा है ना, तो सारे लोग यहाँ पर देख रहे एकत्रित होकर, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है ऐसा देखना मोर को नाचते हुए। और कहा जाता है जब बारिश होती है, बारिश जैसा मौसम होता है तो नाचते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, ब्लर हो रहा है। जब बारिश होता है तभी नाचता है ना भाई, पकाने लगता है। अभी तो ऐसे ही नाच रहा है ये, दिखावे के लिए दिखा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए डाउन कैसे करता है, आपको लाइव दिखा रहे हैं, देखिए ये देखिए कितना वाव मस्त लग रहा है ना, चाहिए। आप लोग देख सकते हैं ये मोरनी है, और मोरनी के पास पंख नहीं होता, और ये मोर है इसके पास पंख होता, और ये दोनों को आप लोग को दिखा दिए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ये भी चल रहा है ना, ये कितना सुंदर और मस्त वर्ड लग रहा है, सिल्वर वर्ड है, और इसका पंख शाम तक ये देख सकते हैं। देखिए फिर से फैलाया, मजा आ गया देखने से भाई।
वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। और देख सकते हैं वो नाच रहा है अभी, देखो देखो ये देखिए, किस प्रकार नाच रहा है। और सभी लोग इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। और आप लोग ध्यान से देखिए कैसे नीचे वो हिला रहा है, और इधर भी देखिए, और इस प्रकार से पीछे से दिखता है और आगे से भी जैसे दिखता है। ये देखिए घूम गया, डांस करो। यहाँ पर भी देख सकते हैं मोर है और ये छोटा है, अभी इधर भी देख सकते हैं आप लोग। ये गए तो आप लोग देख सकते हैं ये एरोमैपा है और किस प्रकार रंगों का, जैसे फिल्मों में हम लोग देखते हैं ना उस प्रकार से लग रहा है। आपका आवाज़ भी इसका सुनाई दे रहा होगा। और इधर भी देख सकते हैं कितना, लेकिन गाय जिसमें कौआ नहीं पकड़ाया है। और इधर भी देख सकते हैं, पता नहीं किधर है सब। और इसे छोटा छोटा बॉर्ड सा दिख सकते हैं आप लोगों को, दिख रहा होगा यहाँ से। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये ऊपर देख सकते हैं। अभी देखिए कितना कितना उड़ रहा है, मैंने सोचा सब ये सारे सब बॉर्ड सब है। और यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे सर, चुजा सर, ऐसे देख रहे हैं नैना तोता सब ये सारे सर। वाह बजरी इधर है और इधर भी देख सकते हैं, और उधर व्हाइट वाला है, उधर दिखाते हैं आप लोगों को हम। इसको काकातुआ बोलते हैं हम लोग। और ये यहाँ पे, और इधर भी देख सकते हैं कोकाटीला है यहाँ पे बहुत सारा है। और इसको इन लव बर्ड बोलते हैं, लव का सिंबल है। अब देखें यहाँ से प्यार हो जाए कहीं। हाँ तो यहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे। और ये कछुआ है देख सकते हैं, और ये अंदर कछुआ घर है, और इसके अंदर चलेंगे हम लोग, सारा चीज़ देखेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। और ये देखिए हंस है, और किस प्रकार से सफाई भी हो रहा है। और ये हंस है, दो हंस है ना। और इधर से देख सकते हैं ये कछुआ है, और बहुत सारे कछुआ यहाँ से देख सकते हैं। एक आध पीस ले चले क्या, और वहाँ से देख सकते हैं सबसे बड़ा वहाँ पे कछुआ है। और देख रहे हैं किस प्रकार से रनिंग कर रहा है, पानी नहीं है और पानी मस्त जरूरी है, इसको देख सकते हैं। ठीक है तो अभी हम लोग बाहर निकल गए, और यहाँ से आप लोगों को दिखाएंगे हम नील गाय। और यहाँ से देख सकते हैं हमारे ब्लॉग के माध्यम से पीछे, और ये सारा है नील गाय। यहाँ से देख सकते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा। तो हमें लगता है कि आप लोगों को कैमरा बैक करके ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो दिखेगा नहीं, तो कैमरा बैक ही करते हैं और सारा चीज़ दिखाते हैं। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। और ये गाइस आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे पब्लिक यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। और ये जू पार्क में है, और इधर से आगे हम चले जाएंगे दूसरे टाइप दूसरे जगह देखने के लिए। और इधर से भी हम लोग चलते हैं, इधर से देखते हैं मकान भी है इसमें, और इधर सभी लोग जा रहे हैं तो हम भी इधर चलते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए।